एक्सरसाइज 10.3 से पहले आपका बेटा क्या है, जनरल इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। अब आप सबने इक्वेशन देख ली, इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, क्लियर। ये आपकी जनरल फॉर्म हो सकती है इक्वेशन की। अब इससे अगर हमें अब रिवर्स वे, जो हमने 10.2 से पहले क्या किए थे, छह वेरियस फॉर्म्स किए थे, अगर हमें उसमें कन्वर्ट करना है, अब इस इक्वेशन से हमें स्लोप फाइंड करना है या इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि हमें जिससे स्लोप भी पता चल जाए और इंटरसेप्ट पता चल जाए, क्लियर। दूसरा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली, कि दोनों के इंटरसेप्ट पता चल जाए, ठीक है। और तीसरा आपका नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जिसमें हमें कि लाइन सपोज ऐसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए ओरिजिन से और एंगल पता चल जाए ओमेगा। याद है ना, जो छह इक्वेशंस थी आपकी, तो उनमें से हमें सिर्फ तीन में ही कन्वर्ट करना है अब यहां पे वापस जब रिवर्स कर रहे हैं तो। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y + 9 = 0, क्लियर। अब याद करो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में मतलब कि y = बनाओ सारी चीजें। तो पहले हमने 2x और 9 को उधर भेज दिया, तो क्या बन गया, 3y = -2x - 9, क्लियर। और फिर हमने 3 को भी भेजा, 3 को वहां भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड। सो y = -2/3 × x - 9/3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और m बताओ क्या होगा, -2/3, यानी ये हमारा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और इंटरसेप्ट c, c किसका इंटरसेप्ट होता था, y एक्सिस का, क्लियर। y = mx + c है, ठीक है। तो ये किसका इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस का। सो सी कितना आ जाएगा हमारा, -3। यहां तक क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया था, हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता होता था, उससे हम इक्वेशन बनाते थे। अब इक्वेशन से हम स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, क्लियर। नाउ सेकेंड आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म आपका क्या था, x/a + y/b = 1, क्लियर। अब अगेन यही मान लो, यही इक्वेशन दी हुई है 2x - 3y + 9 = 0, मान लो ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। रैंडमली इक्वेशन ले रहा हूं, देखो कोई भी इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब इंटरसेप्ट मतलब कि दोनों इंटरसेप्ट एक्स और वाई के, इससे हमारा सिर्फ वाई का इंटरसेप्ट आया, हमें एक्स और वाई दोनों के इंटरसेप्ट चाहिए। तो क्या करना है, पहले तो 9 को उधर भेजा हमने, क्योंकि इक्वल्स टू की फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है, क्लियर। तो 2x - 3y = -9, यहां तक आया। अब इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो -9 को यहां हम वापस शिफ्ट करेंगे बट डिवाइड फॉर्म में, -9 को डिवाइड फॉर्म में। सो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 2x - -9 - 3y / -9 = 1, यहां तक समझ में आया। ये माइनस माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब हमें इसे किस फॉर्म में लाना है, x/a + y/b की फॉर्म में, यानी x के साथ कोफिशियंट 1 होना चाहिए ऊपर। तो ये 2 या ये 3 को हम कहां भेजें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, x / -9/2 + y / 9/3, जो फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, = 1। आया चीज समझ में। तो अब x का इंटरसेप्ट क्या हो गया, -9/2, y का इंटरसेप्ट क्या हो गया, 9/3, यानी कि 3, जिसे हम सॉल्व करके फर्दर 3 लिख सकते हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी a अब आपका हो गया -9/2 और b हो गया आपका 3, क्लियर। आया समझ में। तो हम किसी भी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट
कर सकते हैं। थर्ड आपका नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म था क्या, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी, क्लियर। तो कोई भी इक्वेशन है आपके पास तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एक एग्जांपल दिया हुआ है रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, एग्जाम्पल फोर्टीन था आपका, ये हमें दी हुई है इक्वेशन, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करो इसे, क्या कंपेयर कि हमारा पी होना चाहिए इक्वल्स टू के उधर, ठीक है। तो हमने रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एट कर दिया उधर, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सोचो क्या कॉस की वैल्यू कभी ये रूट थ्री होती है, नहीं। अब यहां पे जब हम कॉस ओमेगा करेंगे, देखो अब ये तीन चीजें यहां पे ए बी और सी, ए बी सी इनके कोफिशियंट हैं, जो हमने अभी इस फॉर्म में लिखा था, स्मॉल ए में नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए से वो आप इंटरसेप्ट भी लिखते थे, ठीक है। यहां पे जो इनके कोफिशियंट हैं ए बी और सी, क्लियर। अब हमें जब कॉस ओमेगा निकालना है तो कॉस ओमेगा के लिए लिखना है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है आपका कॉस ओमेगा निकालने के लिए। साइन ओमेगा निकालने के लिए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट निकाल के वो पूरे में डिवाइड भी कर लेंगे, पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा ए और बी क्या है, बताओ ए क्या है रूट थ्री, बी क्या है वन। अब यहां पे क्या बन जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर, फोर का रूट टू, यानी कॉस ओमेगा हमारा इसमें क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय टू, क्लियर। साइन ओमेगा क्या हो जाएगा वन बाय टू, डिनोमिनेटर तो वही है, क्लियर। अब ये एंगल सोचो कब कॉस ओमेगा रूट थ्री बाय टू होता है और साइन ओमेगा वन बाय टू होता है, 30 डिग्री पे, क्लियर। और दोनों पॉजिटिव हैं, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओमेगा आपका 0 से 360 बीच में कहीं पर भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू देयर साइन, क्लियर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कब आएंगे, कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, क्लियर हुआ। तो यहां पे ओमेगा क्या आ गया आपका 30 डिग्री, क्लियर है, वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। नाउ पी क्या आ जाएगा हमारा, सी, सी क्या था 8 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी पी हमारा 4 आ गया। अब इसको अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहते हो इस इक्वेशन को तो कैसे लिखोगे, देखो एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना आया 4। तो ये इक्वेशन है इसकी नॉर्मल फॉर्म में, आया समझ में। तो हम अब कोई भी इक्वेशन को अपनी तीन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर हमें स्लोप चाहिए तो सिर्फ इंटरसेप्ट चाहिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल चाहिए तो, क्लियर हुआ, कर लो ये नोट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है, ये लाइन हो गई, अब यहां पे एक पॉइंट है पी, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, तो कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे हम ऑलवेज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, यानी इससे यहां पे परपेंडिकुलर गिराया, जो भी पॉइंट होगा यहां पे उसके बेसिस पर हमें ये डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट हो गया सपोज x1 कॉमा y1 की फॉर्म में, क्लियर, और लाइन की इक्वेशन है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो, क्लियर। लाइन की इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो, जनरल फॉर्म, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला आपका आएगा, ध्यान से देखो, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से वैल्यू देखो, फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा। मॉडुलस क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्लियर, नेगेटिव नहीं होता आपका डिस्टेंस। ए इंटू एक्स वन, यानी x की जगह हमने यहां पे a को x1 से मल्टीप्लाई किया, b को y1 से किया, c को एस्टेस, ऊपर प्लस इन तीनों का और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आपका डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट का उस लाइन से, क्लियर। नेक्स्ट आपका फर्दर डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सपोज एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब एक की क्वेश्चन हो गई, पैरेलल लाइन में क्या होता है बताओ? स्लोप बराबर होता है। आपने क्लास टेंथ में भी याद करो पैरेलल लाइंस पढ़ी हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, क्या फर्क होता था याद करो दोनों में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें मैं वन वन दे रहा हूं फर्स्ट लाइन के लिए, इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दोनों जब आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनमें जो एक्स और वाई के कोफिशियंट होते हैं वो सेम होते हैं या वो प्रोपोर्शन में होते हैं, क्लियर। सी वन और सी टू आपके डिफरेंट होते हैं, ये फर्क होता है आपका पैरेलल लाइंस में। तीन टाइप की लाइंस याद करो पढ़ी थी आपने, क्या क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होती। पैरेलल लाइंस में पहली दो रेशियो इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल होती है, और कोइंसिडेंट में तीनों ही सेम हो जाती हैं, क्लियर। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। मॉडुलस सी वन माइनस सी टू, सी वन माइनस C2, यानी जो भी C1 और C2 की वैल्यू उनकी, और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले आपके फर्दर यूज हो सकते हैं आप डिस्टेंसेस के लिए, क्लियर, कर लो नोट प्रॉपर।